Today we are going to solve the problem related to application of integrals. In your application of integrals, we are going to solve area under simple curves. Yes, how you will get that with the help of definite integrals, you will obtain the area of given simple curves enclosed इन टू डायमेंशनल एक्सेस आर वाई। आपको क्या करना है, ये सिंपल कर्व्स वाले जो एरिया डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से आपको क्या लिमिट लेना है इस टू डायमेंशन पर, एक्स एक्सेस पर या वाई एक्सेस पर, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सेस के बाउंड्री को जब आप लेंगे तो लिमिट एक्स एक्स की लेंगे, और यदि आप वाई एक्सेस के बाउंड्री को ले रहे हैं इट मीन जैसे आप दूसरे मेथड से आप इसको y मिनिमम कर सकते हैं। ये y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहां पर जैसे आप जनरली कह सकते हैं दीज आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर एज द गिवन कर्व, दिए गए कर्व के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सिंपल कर्व एरिया को हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से सीख रहे हैं। So see here, I am taking first example, which means your first question. Find the area enclosed by the circle x square plus y square equal to a square. अब आपको ये देखना है, ये जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका सेंटर क्या है और ये x एक्सिस को और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। So with the help of standard formula, as we know that x minus a whole square plus y minus a whole square equal to a square is the radius of the circle. Yeah, here we are absent. It means center of the circle is zero. So first we make a figure of the given curves. It means circle. Circle का सबसे पहले आप figure बनाएंगे। इस application of integral में figure आपका important है और figure के according ही आप question को definite integral के help से solve करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने बनाया और according to question whole area enclosed by the given circle is equal to whole into area bounded by A B O A, ये जो आपका loop है ये bounded जो area है, पॉइंट ए आपका जहां पर आपका ए जीरो इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है आपका, और बी का जो जीरो ए हो गया। सो यदि हम इसका एरिया निकाल करके यदि फोर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको होल सर्किल का एरिया मिल जाए। यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया फोर इंटू रीजन बाउंडेड बाई द एरिया ए बी ओ ए, और लिमिट हमने लिया ये जैसे छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया 11th के फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा है, ये वर्क्स थ्योरम जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वर्क एनर्जी थ्योरम में जैसे आपने पढ़ा, तो 0 टू a हमने यहाँ पर इसकी लिमिट लोअर लिमिट 0 फिर a लिया 4 इंटू y और dx किया। नाउ वी नीड फाइंड द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dx के रिस्पेक्ट में जैसे हम कर रहे हैं। सो सी हियर यदि हम y का वैल्यू यहां पर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो y इक्वल टू रूट टू बार a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ y एट गिवन सर्किल एंड लिमिट 0 अप टू a इनटू 4 dx। नाउ यूजिंग द फार्मूला एज वी नो दैट रूट टू बार a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू x बाय 2 रूट टू बार a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin cos x बाय a, here 4 into x by 2 root of a square minus x a x square plus आपका a square divided by 2 sin inverse x by a 0 up to a, ये lower limit हो गया upper limit हो गया। now applying the limit it means put the value of in the places of x is equal to a upper limit minus lower limit, यदि आप a put करते हैं तो ये 0 हो गया। So, हमने टोटली जीरो लिख दिया प्लस आपका ए स्क्वायर बाय टू साइन प्लस ए बाय ए माइनस, यदि आप जीरो पुट करते हैं तो
तो सभी वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए माइनस हमने जीरो कर दिया। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग हियर वी गेट 4 * a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स 1 एंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 2 विल बी कैंसिल टू ईच अदर एंड फाइनली वी गेट पाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द गिवन सर्किल। यहां पर अब स्क्वायर यूनिट जैसे आप इंटीग्रल पार्ट वगैरह में देखेंगे नहीं लिखा हुआ है, ये आप लिख देते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ एरिया। सो नो प्रॉब्लम्स, नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड प्रॉब्लम। योर सेकंड प्रॉब्लम फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द एलिप्स। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द फिगर ऑफ एलिप्स हियर। सो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल हियर वी नो दैट बट आल्सो राइट हियर एलिप्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड द रफ फिगर फॉर एलिप्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। We form here, it cut the x-axis at A0 and 0B to the y-axis. It means bounded area will be equal to 0 up to A, y-ds. हमने क्या किया? इसके x parts को हमने छोटे-छोटे parts में divide किया, ये ds आपका small parts कहलाता है, y की value dependent on the x. y की वैल्यू हम गिवन एलिप्स से जैसे ऑब्टेन करेंगे कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y अकॉर्डिंग टू गिवन एलिप्स एंड लिमिट इज हियर 0 अप टू a, सो 4 * 0 अप टू a द वैल्यू ऑफ y 4 रूट ओवर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। जैसे ये देखेंगे आप, ये आपका निकल भी गया, इट मींस वी गेट ओनली b square by a square here, so we get only b by a root over a square minus x square, it is the value of y here, it means y square divided by b square is equal to 1 minus x square divided by a square, finally the value of y equal to b divided by a root over a square minus x square, ये value हमने y के यहाँ पर put किया, b by a का कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हमने बाहर ले लिया एंड लिमिट आपकी 0 टू a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ds। प्रीवियस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड फार्मूले की वैल्यू अप्लाई किया है यहां पर, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाय 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a 0 टू a। आफ्टर पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट वी गेट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स 1 0 पुट करेंगे आपका तो वैल्यू 0 हो गया जिसको हमने लिखा नहीं एंड फाइनली वी गेट 4b डिवाइडेड बाय a * a स्क्वायर बाय 2 एंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1 = π / 2 2 टू द 4 विल बी कैंसिल टू ईच अदर एंड a विल आल्सो फाइनली वी गेट πab स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now see, the difference of your next question is also equation of Phillips. And what is the difference here? As here we are given that the bounded area we need to find a particular question on the x-axis, ordinates value x equal to 0 and x equal to a. And we know that the standard formula according to Phillips that the value of b square equal to a square so see here according to given information we plot the figure of ellipse and your second it means bounded here by the ordinates x equal to 0 and x equal to a, so what will be the line for a here if as we know that mean here the value of x equal to a if we put the value of e, then we get a square into less than the value of 1, it means a is more than b and also it is less than only a, that is the value of a is less than a, so your figure constant in this type and we want need according
this area and the second area and also this. It means here L we write B O B dash R F S and B. ये जो लूप का एरिया है, इस लूप का जो एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. इफ सो आल्सो दी आर इक्वल टू ईच अदर, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ओ एफ एस बी, इट मींस इट इज आल्सो राइट दैट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए द वैल्यू ऑफ वाई इनटू डी एक्स, आल्सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस B O F S B. So 2 into B by A and the value of Y equal to here B by A root of R A square minus X square D. And using standard formula 2 B divided by A X by 2 root of R A square minus X square plus A square by 2 sine inverse X by A and 0 up to A lower limit and upper limit. And after putting the value of upper limit minus lower limit, finally we get the required area bounded by the given formulation. It means the answer of this question BA in bracket E root over 1 minus E square plus sine inverse E. Thanks.